नमस्कार, मैं निकिता शुक्ला, इंडिया हॉट टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुलेटिन का। मिड रेंज 5G स्मार्टफोन रेस, गैलेक्सी A52 5G के साथ सैमसंग की होगी एंट्री। बता दें कि मार्केट में अब 20,000 रुपए तक के 5G स्मार्टफोन आने शुरू होंगे। मोटो जी 5G को इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। फिलहाल भारत में मोटो जी 5G सबसे कम कीमत वाला 5G फोन जरूर है, लेकिन दूसरी कंपनियां भी अब इस कीमत पर फोन लाने की तैयारी में जुट गई है। भारत में 2021 के मिड से 5G नेटवर्क भी उपलब्ध हो सकता है और इस बीच सैमसंग भी अपने स्मार्टफोन गैलेक्सी A52 5G लॉन्च करने की तैयारी में है। 2021 की शुरुआत में इसे लॉन्च किया जा सकता है। रियलमी ने अपने स्मार्टफोन्स के लिए जारी किया अपडेट, मिलेंगे नए फीचर्स। रियलमी 5, रियलमी 5i और रियलमी 5s स्मार्टफोन्स के लिए भारत में अपडेट जारी कर दिया गया है। इसमें नवंबर 2020 एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच और थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स दिए गए हैं। कंपनी ने कंफर्म किया है कि अब अपडेट जारी हो गया है, यानी आने वाले दिनों में ये आपके फोन तक पहुंच जाएगा। अगर आपको अभी तक नोटिफिकेशंस नहीं मिला है तो आप मैनुअल तरीके से अपडेट के लिए चेक कर सकते हैं। एप्पल ने एप्पल एयरपॉड्स मैक्स किया लॉन्च, कीमत 59,900 रुपए। एप्पल ने ओवर द ईयर हेडफोन एयरपॉड्स मैक्स लॉन्च कर दिया है। पहले खबर थी कि कंपनी इसे आईफोन 12 सीरीज के साथ ही लॉन्च करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसे अब लॉन्च किया गया। एयरपॉड्स मैक्स लॉन्च के लिए कंपनी ने किसी तरह का कोई इवेंट नहीं आयोजित किया है। एप्पल के मुताबिक इस ओवर ईयर डिजाइन एयरपॉड मैक्स में एडेप्टिव EQ सहित एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर दिया गया है। एप्पल एयरपॉड मैक्स में H1 चिप लगाया गया है और साथ ही कंपनी ने दावा किया है कि इसमें एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं। इस ओवर द ईयर हेडफोन की भारत में कीमत 59,900 रुपए रखी गई है। Xiaomi के अपकमिंग MI QLED TV 4K की जल्दी ही होगी Flipkart से बिक्री। MI QLED TV 4K को भारत में 16 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा और अब इसे Flipkart पर भी टीज किया गया है। इससे ये साफ है कि टीवी को लॉन्च होने के बाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस लिस्टिंग में कुछ स्पेसिफिकेशन भी बताए गए हैं। बता दें कि Xiaomi के इस अपकमिंग टीवी मॉडल में Dolby Vision, HDR10 Plus, Dolby Audio, Android TV, OS based Patchwall UI, Dual Band Wi-Fi support और MI Quick Wake जैसे फीचर्स मिलेंगे। चाइनीज इन्फिनिक्स 08i की आज भारत में है पहली से। चीनी कंपनी इन्फिनिक्स ने हाल ही में भारत में इन्फिनिक्स 08i लॉन्च किया था। इस फोन की पहली सेल आज से शुरू हो गई है। इन्फिनिक्स 08i की कीमत भारत में 14,999 रुपए रखी गई है। बता दें कि कीमत में आपको 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट मिलेगा। ग्राहक इसे सिल्वर डायमंड और ब्लैक डायमंड कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो रखिए आप हर खबर पर अपनी नजर इंडिया हॉट टॉपिक्स के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और देखते रहे देश भर के लेटेस्ट अपडेट्स। धन्यवाद।